जिला वाइज लिस्ट जारी, एक साथ दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 40 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश, आंधी ओलावृष्टि की भी संभावना। जाने मौसम की पल पल की अपडेट। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। आप राज्य के किस शहर से वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएं। जैसा कि आपको बता दें, एक के बाद एक सक्रिय हो रहे वेदर सिस्टम के चलते मध्य प्रदेश में 4 मई तक बारिश और आंधी के आसार देखने को मिलेंगे। वहीं 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी और हवा तूफान आने की चेतावनी। वहीं कहीं कहीं ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो 29, 30 अप्रैल और 1 से 4 मई तक प्रदेश में चमक गरज के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं 30 अप्रैल को प्रदेश में तेज बारिश, आंधी चलने और ओले गिरने की संभावना है। 1 मई से एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे 3 से 4 दिन तक मौसम बदला रहेगा। अगले 48 घंटे के दौरान जबलपुर संभाग सहित कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश की संभावना। भोपाल, नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में वर्षा होगी। कटनी, सागर, नरसिंहपुर, पन्ना, जबलपुर, विदिशा, भिंड, रायसेन एवं दतिया के जिले में ओले भी गिर सकते हैं। आज इन जिलों में बारिश, आंधी और ओले के आसार बताए गए हैं, जिसमें भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, शहडोल, नर्मदापुरम संभाग जिले में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। इस कारण से भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिलों में बारिश के आसार देखने को मिल सकते हैं। इंदौर, शहडोल, रीवा और उज्जैन संभाग जिलों के साथ शिवपुर कला, मुरैना, गुना, राजगढ़, ग्वालियर, शिवपुरी, सीहोर, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, मंडला, टीकमगढ़, बालाघाट, दमोह, छतरपुर और सिवनी जिले में गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है।